Hello students, myself खुशबू झा from राइट वे क्लासेस. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लाइन्स एंड प्लेन्स की इक्वेशन कैसे निकालते हैं. लाइन्स के हमने दो डिफरेंट केसेस देखे थे और प्लेन का एक ही केस होता है, तो एक बार जरा उन पे क्विक रिवीजन कर लेते क्योंकि आज के क्लास में हमें न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है. तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपको ज्यादा समझ में आए. और जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है उन्हें आज नहीं समझ में आएगा ज्यादा, इसलिए आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप मेरा पहले लास्ट वाला वीडियो देख लो, देन सी टूडेज वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में न्यूमेरिकल है और ये बेस्ट है लास्ट क्लास के थ्योरी के ऊपर. तो चलो थोड़ा सा आपको रिविजन करवा दें कि लाइन्स एंड प्लेन्स की इक्वेशन हम लोगों ने कैसे निकाला था. आ जाओ चलो यहाँ देखो, लाइन्स में मैंने बताया था केस वन में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. ये देखो यहां पर दो पॉइंट है हमारे पास, ए और बी. तो एक्स की इक्वेशन कैसे निकलती थी, वन माइनस टी इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस टी इंटू सेकेंड वेक्टर. जैसे देखो ये एक एग्जाम्पल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 2 एंड -1, -1, 4. इसकी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू 1, 2, 2 प्लस टी इंटू -1, -1 एंड 4. फिर इसको सॉल्व व सिंप्लीफाई करके और लास्ट में हमारा इक्वेशन आ गया था. उसके बाद से हमने देखा था सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन था. जैसे ये देखो लास्ट क्लास में हमने निकाला था, ये पहले एक इक्वेशन देख लो. सपोज करो ए इज द पॉइंट जिसके थ्रू लाइन को पास करना है एंड बी इज द पैरेलल वेक्टर जिसके पैरेलल बनाना है. अब अगर पैरेलल वेक्टर हमें गिवन नहीं होता तो एक पॉइंट पे अगर मैंने आपसे लाइन स्केच करने को कहा तो लाइन में भी दिस वन, लाइन में भी दिस वन, लाइन में भी दिस वन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो. इसलिए लाइन की इक्वेशन के लिए या तो हमें दो पॉइंट गिवन होने चाहिए या फिर एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वेक्टर गिवन होना चाहिए. तो यहां पर हमें डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी ए प्लस टी इंटू बी, ए प्लस टी इंटू बी. उसके बाद से इसके ऊपर बेस्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर. तो ए की वैल्यू हो गई ये वाली पॉइंट और बी की वैल्यू हो गई ये पैरेलल वेक्टर. देन वी पुट इन द इक्वेशन एल इज सच डेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टी इन टू बी एंड इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आई थी. बट यहां पर मैंने आपको नोट करने को एक पॉइंट कहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लास के लिए, कि टी के कोफिशियंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ पैरेलल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताना, डायरेक्शन ऑफ पैरेलल वेक्टर. और डायरेक्शन ऑफ पैरेलल वेक्टर ही किसका डायरेक्शन होता है, लाइन का होता है. इसके बाद से आ जाओ प्लेन पे. प्लेन में मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का तरीका, कि एक जब परपेंडिकुलर गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो पी डॉट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो करके निकालते हैं. ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरा लास्ट वीडियो देख लो. नाउ सी, फिर एक एग्जांपल हमने किया था जिसमें एक पॉइंट ए गिवन था और एक परपेंडिकुलर गिवन था, तो फिर हमने उसकी इक्वेशन निकाल ली थी. इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला था वो ये था कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के जो कोफिशियंट होते हैं, जो हमारा लास्ट में इक्वेशन आता है प्लेन का, उसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के जो कोफिशियंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहां पर जो आया था दिस रिप्रेजेंट्स योर नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर, जो कि प्लेन पे क्या होता है बताओ, नॉर्मल, जो कि प्लेन पे क्या होता है, नॉर्मल. अब आज के वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि आपको सिरसेटर एंड हैमंड के सारे एग्जांपल कराए जाएंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग लाइन्स एंड प्लेन्स के एग्जाम्पल्स मतलब क्वेश्चंस देखते हैं. एग्जाम्पल तो मैंने करा ही दिया, क्वेश्चन
कौन कौन से क्वेश्चन? तो अगर आपके सामने बुक खुली हुई है तो आप अपने बुक में पेज नंबर 399 निकाल सकते हो। बुक नहीं है तो डू वन थिंग, आपके सामने जो ये चार क्वेश्चन दिख रहे हैं आप इनका पिक ले लो स्क्रीन से ही, इसको मोबाइल में सेव करके साइड में मोबाइल रख लो, उसमें से आप क्वेश्चन देखते रहो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखते रहो, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो मैंने जूम कर दिया, जूम कर दिया ताकि आपका पिक्चर क्लियर आ जाए। इन चारों क्वेश्चन का फोटो आप स्क्रीन से भी खींच सकते हो, खींच लिया आपने। अब मैं इसको वापस बैक जूम करती हूं, आप पॉज भी कर सकते हो इस स्टेप पे और फिर वापस आ जाते हैं अपने क्लास पे। तो अब आज की हमारी क्लास शुरू होने वाली है जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्वेशन फॉर द लाइन, जिसमें फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखा है दैट पासेस थ्रू पॉइंट्स 3-2, 2 एंड 10-1, एंड बी में दे रखा है हमें दैट पासेस थ्रू पॉइंट 1-3-2 एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज 0-1 एंड 1। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन ही है तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख ही दिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें दो वेक्टर दे रखे हैं जिसके थ्रू लाइन को पास करना है। कोई बात नहीं, चलो दोनों का स्केचिंग कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 3-2, 2 एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो गया बताओ 10-2 एंड 1। ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अगर ए से बी तक जाने वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है देन अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट केस लाइन इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1-t (a) + t (b). तो एक्स इज इक्वल टू 1-t (a) की जगह पे डाल देंगे 3-2, 2। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है 3-2, 2। फिर b की जगह क्या डाल देंगे बताओ? सेकेंड वेक्टर। तो x अभी तो x ही है, ये क्या हो जाएगा बताओ? 1-t को जब तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे बारी बारी से तो 3-3t - 2+2t, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2-2t + 10t, 2t एंड t। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दो। 3-3t को अगर 10t के साथ ऐड किया तो क्या हो जाएगा बताओ? 3+7t। -2 + 2t को ऐड किया तो -2 + 4t। 2-2t को ऐड किया तो 2-t। सो द लाइन इज सच दैट x भी तो अब अपना कोऑर्डिनेट का साइज अडॉप्ट कर लेगा ना, 3 डायमेंशन का लाइन बन रहा है। लाइन इन 3D स्पेस इज लाइक दिस वे। तो लाइन इज सच दैट x1 = 3+70 and x2 = -2+4t, x3 = 2-t। ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन फर्स्ट केस का। अब दूसरा पार्ट करते हैं दैट पासेस थ्रू 1-3-2 एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज 0-1-1। ध्यान दो जरा,
सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है? दैट पासिस थ्रू 1, 3, 2 एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज 0, -1 एंड 1. तो पासिस थ्रू वाला पॉइंट सपोज करो 1, 3, 2 है और किसके पैरेलल में है? तो 0, -1 एंड 1 के पैरेलल में है. तो इस लाइन की इक्वेशन में निकालना हम लोगों ने सीखा हुआ है. लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन इज सच डेट x इज इक्वल टू a प्लस t इंटू बी. तो लाइन इज सच डेट x भी अपना कोऑर्डिनेट ले लेगा, x1, x2, x3 इज इक्वल टू 1, 3, 2 प्लस t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस t t ऐड करने के बाद आ जाएगा ये 0 प्लस 1, 1 3 माइनस टी और 2 प्लस टी. ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन. आप चाहो तो इसको अगर बेटर वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एल इज सच डैट x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3 माइनस टी एंड x3 इज इक्वल टू 2 प्लस टी. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा. आगे बात समझ में? बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तो कुछ था ही नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैंने ये भी क्वेश्चन कर दिया, जिसमें ए और बी के थ्रू पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी थी तो उसका भी फॉर्मूला हमने पुट कर दिया और इधर एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर का यूज करके भी लाइन इक्वेशन हमने निकाल दिया. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2. द लाइन एल इज गिवन बाय. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एल गिवन है. एल इज सच डैट x1 इज इक्वल टू -t + 2, x2 इज इक्वल टू 2t - 1 एंड x3 इज इक्वल टू t + 3. फर्स्ट पार्ट में बोला है वेरीफाई दैट पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन बट 1, 1, 1 डज नॉट. चलो इस पार्ट को भी करते हैं. देखना जरा, अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन लाइन में लाई करता है, सपोज करो ये लाइन है और इसके अंदर अगर ये पॉइंट हमारा लाई करता है, तो एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए इस पॉइंट का जो एक्स वाई जेड होगा, तीनों किसको सेटिस्फाई करेंगे? लाइन को. यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लाइन का है x1, x2, x3 वो क्या बन जाएगा? 2, -1 एंड 3. तो -t + 2 विल बी इक्वल टू 2 एंड फ्रॉम दिस कंडीशन टी किसके इक्वल हो जाएगा? 0. साथ ही साथ वाई को भी सेम होना पड़ेगा. तो -1 इज इक्वल टू 2t - 1, टी इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? ये उधर गया +1 - 1, फिर से 0 आ गया. सपोज करो ये आपके सामने मैंने अपना जो पाम दिया, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन. इसमें अगर कोई पॉइंट है तो उसका सिर्फ एक्स वाई है, देयर इज नो जेड. उसी के पैरेलल में अगर मैंने बस परपेंडिकुलर ऊपर ये वाला पॉइंट ले लिया तो इसका भी सेम एक्स वाई होगा, इसका जेड डिफरेंट होगा. तो खाली एक्स वाई को सेम करने से बात नहीं बनेगी, हमें दोनों जेड को भी कंपेयर करना है. तो बोथ जेड मस्ट बी सेम. यानी जेड का जो कोऑर्डिनेट है टी प्लस थ्री, ये किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? 3 के इक्वल होना चाहिए. फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग टी मस्ट बी इक्वल टू 0. फ्रॉम ऑल द 3 conditions, टी इज कमिंग टू बी 0. दैट मीन्स सो ए 2, -1, 3 इज अ पॉइंट
in the line for t is equal to 0. आप कहोगे कि मैम ये क्या हुआ? तो सबसे पहली बात कि किसी पॉइंट को अगर चेक करना कि वो लाइन में है या नहीं, तो आप उसको इक्वेट कर दो लाइन के एक्स वाई जेड से या फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से. अगर तीनों से सेम टी मिल रहा है, सेम टी तीनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है, डैट मीन्स यस इट इज अ पॉइंट इन द लाइन. देखना चाहते हो तो दूसरा इन्होंने दे ही रखा है, उसको भी वेरीफाई करते हैं हम लोग. दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, इधर देखो क्लियरली 111. चलो इसको चेक करते हैं. फॉर 111 जब चेक करोगे तो आ जाएगा माइनस टी प्लस टू इज इक्वल टू वन. टी को उधर लेते जाओगे, टू माइनस वन वन. फिर यहां पर देखो एक्स टू की वैल्यू कितनी है, टू टी माइनस वन है. देखो एक्स टू की वैल्यू कितनी है, टू टी माइनस वन. इसको किससे इक्वेट करेंगे, वन से. तो टू टी विल बी इक्वल टू टू एंड टी विल बी इक्वल टू वन. नाउ सी द थर्ड वन इज टी प्लस थ्री एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू वन, सो टी विल बी इक्वल टू माइनस टू. देखो तो जरा दो जगह से टी तो सेम आ रहा है, बट दिस टी इज नॉट सेम. तो लिखेंगे वी आर नॉट गेटिंग, सिंस वी आर नॉट गेटिंग यूनिक टी, सिंस वी आर नॉट गेटिंग यूनिक टी, सो पॉइंट 111 डज नॉट लाई इन द लाइन. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल था. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यही है ऑनलाइन वीडियो की खासियत, आप बार बार देखो, जितनी बार देखना चाहते हो देखो. बार बार करत करत अभ्यास से स्लिपर पड़त निशान, वही वाली बात है, आपके भी दिमाग पे ये छपी जाएगा. तो आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एल, दिस इज सो इजी. डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एल. मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ एल के लिए अगर हमें लाइन की इक्वेशन गिवन होती है तो फिर हम लोग क्या देखते हैं बताना, टी के कोफिशियंट को देखते हैं, माइनस वन टू एंड वन. ये क्या देगा हमें बताओ, डायरेक्शन वेक्टर. आई बात समझ में? डायरेक्शन वेक्टर के लिए हम लोग क्या देखते हैं बताओ, टी के कोफिशियंट्स को देखते हैं और वही हो जाता है हमारा डायरेक्शन वेक्टर. आ जाते हैं फिर से हम लोग अपने राइट प्लेस पे. डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एल में, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोफिशियंट्स ऑफ टी रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन वेक्टर. तो जरा आप लोग देखना, फिर से एक बार देख लो, कोफिशियंट ऑफ टी क्या था, माइनस वन टू एंड वन, माइनस वन टू एंड वन इज द डायरेक्शन ऑफ एल. नाउ कम टू सी पार्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए दैट इज ऑर्थोगोनल टू एल. प्लेन थ्रू पॉइंट ए इज गिवन टू माइनस वन एंड थ्री एंड ऑर्थोगोनल टू यानी परपेंडिकुलर टू एल. प्लेन थ्रू ए टू माइनस वन थ्री एंड परपेंडिकुलर टू एल. नाउ सी हमें प्लेन का एक पासिंग पॉइंट तो इन्होंने दे दिया टू माइनस वन एंड थ्री, लेकिन परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं इन लोगों ने, अब कैसे निकाला जाए? कोई बात नहीं, हमें ये तो दे रखा है ना कि लाइन जो है वो किसके पैरेलल है बताओ. लाइन किसके पैरेलल है, लाइन किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है.
लाइन किसके परपेंडिकुलर है? प्लेन के परपेंडिकुलर है. और लाइन का एक पैरेलल वेक्टर जो है बी, वो किसके लिए हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर प्लेन के लिए. सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये देखो फिर से, अगर आप देखना चाहते हो लाइव एग्जांपल तो ये देखो, ये रहा लाइन, ये भी प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है. ये रहा लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये रहा लाइन का पैरेलल वेक्टर. तो हम क्या इसके पैरेलल वेक्टर को, लाइन को अगर हटा भी दें, पैरेलल वेक्टर को क्या हम इस प्लेन का नॉर्मल नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग. सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो पी हम लोग किसको ले लेंगे बताओ? जो सेकेंड पार्ट में आया था माइनस वन टू वन, यही अब पी हो जाएगा. एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय पी डॉट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो. पी डॉट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो. तो बस एक ही काम रह गया है कि हमें इसको क्या करना है बताओ? सिंपली फाई करना है. तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाने वाले हैं और नेक्स्ट पेज पे पी की वैल्यू यही वाली कैरी करेंगे, माइनस वन टू वन. एक्स ले लेंगे हम लोग, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और ए की वैल्यू ये रही मेरे सामने टू माइनस वन एंड थ्री. चलो मैंने लिख दिया p की जगह पे, मैंने लिख दिया 2 माइनस वन, 2 माइनस वन एंड 3, 2 माइनस वन एंड 3, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस a की जगह पे क्या डाल दिया? माइनस टू एंड वन इज इक्वल टू जीरो. अब बस सिंप्लीफाई करना है, इसमें थोड़ा भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है. ये रहा एक्स वन माइनस माइनस वन, क्या हो गया बताओ? एक्स वन प्लस वन कॉमा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? एक्स टू माइनस टू कॉमा एक्स थ्री माइनस वन. फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है ना. तो टू इंटू एक्स वन प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स टू माइनस टू प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो. वॉट डज दिस इम्प्लाई? टू एक्स वन प्लस टू माइनस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. देन वॉट इक्वेशन वी आर गेटिंग? टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री माइनस थ्री टू टू फोर माइनस थ्री कितना आ गया? वन इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. आगे बात समझ में? नहीं समझ में आता तो फिर से आप देख सकते हो, पॉज करके रिवाइंड करके. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट. फाइंड द पॉइंट एल where find the point where L intersects the plane three x one plus five x two minus x three is equal to six. तो देखना जरा, L तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था. L क्या था? x1 इज इक्वल टू माइनस टी प्लस टू, x2 इज इक्वल टू टू टी माइनस वन एंड x3 इज इक्वल टू टी प्लस थ्री. अगर कोई लाइन हमारे प्लेन के अंदर में आता है, ये रहा प्लेन, अगर इसके अंदर में आ रहा है तो एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए जो लाइन का हमारा एक्स वाई जेड होगा ना, वो किसको सेटिस्फाई करेगा? प्लेन को. यानी लाइन के एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को कहाँ डाल दो? प्लेन के अंदर.
अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं देन दैट्स ओके, लाइन इज पासिंग थ्रू अ प्लेन. तो चलो निकालते हैं लाइन का x1 x2 x3 को हम लोग पुट करते हैं. पुटिंग लाइन इन प्लेन, क्या मिलेगा हमें? 3 x1 की जगह पे डाल दिया -t+2 +5 x2 की जगह पे क्या डाल दिया 2t-1 माइनस x3 की जगह पे क्या डाल दिया t+3 इज इक्वल टू 6. तो ये इम्प्लाई करेगा -3t+6 +10t-5 -t-3 इज इक्वल टू 6. -3t और -t और 10t मिलकर के कितने हो गए बताना. और अभी RHS को कट मत करो, देखना है कि दोनों साइड इक्वल आता है या नहीं. -t -3t कितने हो गए? -40 और 10t 60. -5 -3 और 6 कितने हो गए? -5 -3 -8 और 6 -2 इज इक्वल टू 6. अच्छा अभी तो पता नहीं लगेगा, तो हमें t की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी. तो 60 इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 6 2 8. t की वैल्यू कितनी आ गई? 8/6 डैट मीन्स 4/3. यानी इस t के लिए लाइन जो है वो किसको इंटरसेक्ट करेगा बताओ? प्लेन को. इस t के लिए लाइन किसको इंटरसेक्ट करेगा? प्लेन को. आगे बात समझ में? अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकालना चाहते हो तो इसी टी को डाल दो लाइन के अंदर. लाइन की इक्वेशन देखो हमारे सामने में है x1 इज इक्वल टू, सो द पॉइंट इज -t+2, 2 × t, 2 × 4/3 -1, t है 4/3 + 3. दिस विल बी 3 × 6 - 4 2/3, 4 × 8/3 और 8 - 3 कितना हो गया? 5/3, 3 × 3 = 9, 4 = 13/3. सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 देखने में तो बहुत छोटा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स. हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं. तीनों पॉइंट कौन कौन से है बताना? 3, 4 - 3, 5, 2, 1, 2 - 1 एंड 4. अब हमें यहां पर इसके प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. तो ये तो वही बात हो गई कि सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट हमें दे रखे हैं, नॉर्मल तो दिया ही नहीं. ये पॉइंट क्या हो गया बताओ? 3, 4, 3. ये पॉइंट क्या हो गया? 5, 2, 1. ये पॉइंट क्या हो गया? 2, -1 एंड 4. अगर इस पॉइंट को हम ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी से लोकेट कर दें, अगर ए बी सी से लोकेट कर दें तो खाली पॉइंट ही पॉइंट के बिना हमें नॉर्मल पता ही नहीं है. कोई बात नहीं, चलो ये मैंने लाइन की इक्वेशन निकाली. एक लाइन होगा जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा होगा, एक लाइन होगा जो बी और सी को ज्वाइन कर रहा होगा, एक लाइन होगा जो ए और सी को ज्वाइन कर रहा होगा. वैसे तो ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो सकता है आसानी से, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमारे कोर्स में है नहीं, तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा बताओ? डॉट प्रोडक्ट. हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है. हम लोग परपेंडिकुलर को मान लेते हैं, पी को क्या मान ले बताओ? ए बी एंड सी. परपेंडिकुलर को क्या लेट कर लिया बताओ? ए बी एंड सी.
let the perpendicular to plane be ABC, then it is perpendicular to all the lines line AB, line BC and line CA. अब हमें AB, BC और CA तीनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. तो लाइन AB की इक्वेशन के लिए क्या मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है पोजीशन वेक्टर वगैरह के लिए. फाइनल वेक्टर माइनस क्या बताओ, इनिशियल वेक्टर. OB हमें क्या दे रखा है बताओ, जो पॉइंट हमें गिवन होता है वो तो हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है ना, और माइनस 3, 4, 3. सो दिस विल बी 5 - 3 कितना हो गया बताओ, 2. 2 - 4 -2. 1 - 3 -2. फिर लाइन BC, BC के लिए OC माइनस OB, तो 2 - 1, 4 में से 5, 2, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 - 5 कितना हो जाएगा -3. -1 - 2 -3. 4 - 1, 3. फिर लाइन AC, तो OC माइनस OA. अच्छा एक कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, AC निकाले या CA निकाले, आप कुछ भी निकालो क्योंकि परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आगे चल के लगाएंगे इस क्वेश्चन में. तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो करना है, इसलिए -x0 करो या फिर x0 करो, आना तो सेम वैल्यू है. OC माइनस OA इज इक्वल टू, OC माइनस OA की वैल्यू कितनी आएगी, तो C का कोऑर्डिनेट मैंने डाल दिया और उसमें से 3, 4, 3 कर दिया, तो 2 - 3 -1. -1 - 4 -5. 4 - 3 - 1. ध्यान देना जरा. तो जब एबीसी हमारा इन तीनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, देन एबीसी डॉट 2 - 2 - 2 इज इक्वल टू 0, एबीसी डॉट -3 - 3 इज इक्वल टू 0, एबीसी डॉट -1 - 5 - 1 इज इक्वल टू 0. इससे हमें तीन इक्वेशन मिलेगी, 2a -2b -2c इज इक्वल टू 0, -3a -3b +3c इज इक्वल टू 0, फिर -a -5b +c इज इक्वल टू 0. तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. जरा फर्स्ट इक्वेशन में देखना, अगर मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो a -b -c इज इक्वल टू 0. यहां पर भी अगर मैंने -3 को कॉमन ले लिया तो a +b -c इज इक्वल टू 0. यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, -a -5b +c इज इक्वल टू 0. सही है. इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3. अब देखो जरा, फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए और सी कैंसिल हो जाएगा और हमें बचेगा क्या बताओ, 1 - 2 जब करेंगे, ए ए कैंसिल, सी सी कैंसिल, और इधर क्या बच जाएगा बताओ, -2b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या मिल रही है, 0. अब सेकेंड और थर्ड को अगर ऐड करते हैं, ए ए 0 सी सी 0, फिर वही आ रहा है b इज इक्वल टू 0. अब क्या किया जाए, अब तो हम लोग आगे कुछ कर ही नहीं सकते. खाली b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो a और c का हमें पता नहीं ना, a और c का हमें पता नहीं है, b तो 0 आ रहा है. ठीक है, तो देखो जरा, b 0 आ गया और a -c इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया, c. सो परपेंडिकुलर वेक्टर किस नेचर का हो जाएगा, a की जगह a डाल दो, b की जगह 0 डाल दो, और c की जगह भी क्या डाल दो बताओ, a डाल दो.
अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रह गया कि मैंने ए पॉइंट ले लिया 3, 4, 3 और परपेंडिकुलर आ चुका है ए जीरो एंड ए, तो पी डॉट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो. सो व्हाट इज पी ए जीरो ए डॉट एक्स में एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री माइनस ए 3, 4, 3 इज इक्वल टू जीरो. ए जीरो ए डॉट एक्स वन माइनस थ्री कॉमा एक्स टू माइनस फोर कॉमा एक्स थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. जब सॉल्व करोगे तो ए इंटू एक्स वन माइनस थ्री प्लस जीरो इंटू एक्स टू माइनस फोर प्लस ए इंटू एक्स थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो ए एक्स वन माइनस थ्री ए प्लस जीरो तो जीरो ही हो गया. ए एक्स थ्री माइनस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? ए एक्स वन प्लस ए एक्स थ्री माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू जीरो. टेकिंग ए इन कॉमन वी आर गेटिंग एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो बहुत ही सिंपल है, हमें एक परपेंडिकुलर को मान लेना है पी और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ लगा देना है. डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ जीरो होगा तो फिर उस कॉन्सेप्ट से हम लोगों को सॉल्व करके पी आ जाएगा. फिर पी आने के बाद आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो. ये नहीं कि मैम आपने ए ही क्यों लिया, अगर हम चाहते तो बी और सी भी ले सकते थे, सबसे सेम ही आंसर आएगा. अब अभी तक तो थोड़ा दिमाग घूम चुका होगा आप लोगों का. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. अब इस पेज पे ज्यादा स्पेस बचा नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं. ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या हमें दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 4 में शो डैट ए इज इक्वल टू माइनस टू वन माइनस वन इज अ पॉइंट इन द प्लेन माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन. अब देखो फिर से वही बात, कोई पॉइंट किसी प्लेन में लाई करता है, इसके लिए आप पॉइंट का एक्स वाई जेड इसमें डाल करके देखो. पुटिंग पॉइंट ए इन एलएचएस ऑफ प्लेन. देखना जरा एक्स की जगह क्या डाल देंगे, माइनस टू टू. वाई की जगह क्या डाल देंगे, वन थ्री. जेड की जगह क्या डाल देंगे, माइनस वन. तो हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, टू प्लस टू माइनस थ्री. फोर माइनस थ्री कितना आ जाएगा बताओ, वन. फोर माइनस थ्री कितना आ जाएगा, वन. फोर माइनस थ्री वन, और ये आरएचएस के इक्वल है. हेंस यस पॉइंट ए लाइज इन द प्लेन. पॉइंट ए कहाँ लाई करता है बताओ, प्लेन में. पॉइंट ए कहाँ लाई करता है, प्लेन में. अब इसका बी पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन फॉर फाइंड द इक्वेशन फॉर नॉर्मल एट ए टू द प्लेन इन ए पार्ट. यानी ए पार्ट में जो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन. किस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमें उस प्लेन पे नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए. नाउ सी द डायग्राम, व्हाट शुड बी द डायग्राम. इफ दिस इज योर प्लेन, देयर इज अ पॉइंट ए माइनस टू वन माइनस वन,
और इस प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है, लेकिन परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। अच्छा नहीं, प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है, माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन। अब एक चीज मुझे बताना, देखो डायग्राम फिर से देखना जरा, ये हमें प्लेन दिया हुआ है, इसमें एक पॉइंट है माइनस टू वन माइनस वन, ये ए है, और प्लेन की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन। अगर आप हमारा लास्ट वीडियो याद करो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेन का जो ये कोफिशियंट होता है एक्स वाई जेड का, नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन क्या हो जाएगा बताना, माइनस वन टू एंड थ्री, नॉर्मल टू प्लेन विल बी माइनस वन टू एंड थ्री। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन फॉर नॉर्मल एट ए, यानी ऐसे नॉर्मल की इक्वेशन जो ए से ही पास कर रही है, इस एन की इक्वेशन निकालनी है। और ये जो आया है नॉर्मल टू द प्लेन, ये तो किसी भी पॉइंट से पास कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसी ए से क्रॉस कर रहा हो। सपोज करो ये पी जो है वो यहां से पास कर रहा है, चलो कहीं से भी पास करेगा, लेकिन हम इसको डायरेक्शन वेक्टर तो ले सकते हैं ना इस एन के लिए। कुछ तो फायदा हुआ हमें, कुछ तो हिंट जरूर हमें मिल गया, ठीक है। तो अब यही पी लिखेंगे, सिंस टू नॉर्मल्स आर पैरेलल, सिंस टू नॉर्मल्स आर पैरेलल, सो पी मे बी, सो पी मे बी कंसीडर्ड एज पैरेलल वेक्टर बी फॉर विच लाइन, फॉर लाइन एन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन एन इज, लाइन इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब हमें किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास करता है और इसके पैरेलल है। तो माइनस टू वन माइनस वन प्लस टी इन टू माइनस वन टू एंड थ्री। तो लाइन इज सच दैट ये अपना कोऑर्डिनेट ले लेगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टी कॉमा वन प्लस टू टी कॉमा माइनस वन प्लस थ्री टी। ये आगे हमारे लाइन की इक्वेशन, और अगर बेटर वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो लाइन इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टी, एक्स टू इज इक्वल टू वन प्लस टू टी, एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री टी। दैट्स ऑल फ्रॉम सिट सेटर एंड हैमंड। ये चार मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सिट सेटर एंड हैमंड में दे रखा है, और हमें इन चारों को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम लोग अपनी तरफ से कराते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक्सपेरिमेंट तो वो करते ही रहते हैं कॉर्नर्स के साथ, ये तो आपको पता ही होगा, एमएमई बंदे करके सेम टू सेम क्वेश्चन बुक से, जरूरी नहीं कि वो दे ही दे। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने कुछ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस की तरफ, जो कि मिसलेनियस आप कह सकते हो या फिर एक्स्ट्रा कह सकते हो, बेनिफिशियल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था चार केसेस, मतलब जब दो लाइन हमारे कब पैरेलल होंगे ये चेक करना, दो लाइन हमारे परपेंडिकुलर कब होंगे ये चेक करना, फिर एक लाइन और एक प्लेन कब होगा पैरेलल, एक लाइन और प्लेन कब होगा परपेंडिकुलर, और फिर टू प्लेन्स के बीच में, यही तो छह कॉन्सेप्ट ये हो गए। तो ये छह कॉन्सेप्ट मुझे आपको कराने हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो चलो उन पे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी सांस ले लो, चलो ना, आई एम ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, यू मे हैव ऑल्सो सम वाटर एंड ऑल। आ जाए हम लोग अपने टॉपिक पे, चलो ये लो मैंने कर लिया रजिस्टर, ओके, और ये
जूमिंग भी राइट प्लेस पे आ गए. चलो शुरू करते हैं. सम मिसलेनियस एग्जाम्पल, सम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स. पैरेलल लाइंस. अब जब पैरेलल लाइंस की बात हो रही है तो कम से कम दो लाइंस तो हमें गिवन होने ही चाहिए. सपोज करो एक लाइन वन है, एक्स वन इज इक्वल टू 3 + 4t, एक्स टू इज इक्वल टू -1 - 2t, एक्स थ्री इज इक्वल टू 3 - 7t. लाइन टू इज सच दैट एक्स वन इज इक्वल टू 5 + 8t, एक्स टू इज इक्वल टू 6 - 4t, एक्स थ्री इज इक्वल टू 2 - 14t. अब जरा देखना कि दो लाइन पैरेलल कब होंगे. सपोज करो ये है हमारा लाइन L1, ये है लाइन L2, ये इसका पैरेलल वेक्टर हो गया B1, ये इसका पैरेलल वेक्टर हो गया B2. तो दो लाइन तभी पैरेलल होते हैं जब उनके पैरेलल वेक्टर भी क्या हो बताओ, पैरेलल. जब उनके पैरेलल वेक्टर भी क्या हो, पैरेलल. दो लाइन तभी पैरेलल होते हैं जब उनके पैरेलल वेक्टर भी क्या हो जाए बताओ, पैरेलल, यानी प्रोपोर्शनल. तो टू लाइंस आर पैरेलल इफ B1 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू B2. इफ B1 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू B2.